बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास एमलगम। ठीक है, डेंटल मटेरियल्स का जो है ये हमारे पास टॉपिक है। एमलगम का जो टॉपिक है पूरा वो डिफरेंट वीडियोस पे जो है वो बेस करेगा। ठीक है, हर वीडियो का अलग टॉपिक होगा। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक मुश्किल भी लगता है, बट अगर आप सारी वीडियोज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा टॉपिक। तो इस वीडियो में जो है वो हम एमलगम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एमलगम। तो बेसिकली एमलगम जो है बच्चों वो हमारे पास एलॉय होता है डिफरेंट मेटल्स का। ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास मरकरी लाजमी होगा। अब एलॉय क्या होता है, तो एलॉय जो है बच्चों वो हमारे पास दो या उससे ज़्यादा मेटल अगर कंबाइन हो जाए तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा। तो एमलगम भी बेसिकली हमारे पास यही होता है कि वो दो से ज़्यादा मेटल पर जो है वो बेस कर रहा होता है, जिसपे एक हमारे पास मरकरी लाजमी होता है। अब ये जो एमलगम है ये डेंटिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, एक डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल का क्या मतलब है, डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल का ये मतलब है कि ये हमारे पास डेंटल यूनिट पे चेयर साइड पे ही जो है आप इसको फिल कर सकते हैं पेशेंट में। सही है, ये हमारे पास क्या हुआ, एक डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल हुआ। तो एमलगम जो हम डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, डेंटल एमलगम। अब इसको डेंटल एमलगम हम क्यों कह रहे हैं, जो नॉर्मल एमलगम और डेंटल एमलगम में ये फ़र्क है कि जो हमारे पास डेंटल एमलगम में मेटल्स होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सिल्वर टिन। पहले सिल्वर टिन होते थे, बट अब हमारे पास जो है वो कॉपर भी आ चुका है। ठीक है, यानी शुरू में हमारे पास सिल्वर टिन होता था, कॉपर भी होता था बट लो क्वान्टिटी में होता था, लेकिन अब जो है वो कॉपर की भी क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ये सारी फ़िलहाल आगे की बातें हैं, लेकिन आप ये याद रख लें कि जो डेंटल एमलगम है इसमें जो हमारे पास मेटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिल्वर टिन कॉपर और मर्क्यूरी। अब जो हमारे पास एमलगम आता है बच्चों, वो हमारे पास पाउडर और लिक्विड फॉर्म में होता है। पाउडर में हमारे पास एलॉय होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि एलॉय का मतलब है जब दो से ज़्यादा मेटल्स जो है वो कम्बाइन कर जाएंगे, किसका, सिल्वर का, टिन का और कॉपर का। ठीक है, इसमें और भी मेटल्स होंगे लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने ये तीनों याद रखना है, सिल्वर टिन कॉपर होगा हमारे पास पाउडर में, और लिक्विड तो आपको पता है बच्चों कि हमारे पास लिक्विड क्या होगा, मरकरी होगा, क्योंकि लिक्विड मेटल वाहिद हमारे पास कौन सा मिलता है, मरकरी ही मिलता है। तो पाउडर और लिक्विड। अब जब हमारे पास हमें किसी की फिलिंग करनी है, उसमें अगर हमें एमलगम की फिलिंग करनी है तो ऑब्वियसली बात है हम एमलगम में पाउडर और लिक्विड को जो है वो मिक्स करेंगे। तो जब पाउडर और लिक्विड को मिक्स करेंगे ना बच्चों, तो उस रिएक्शन में जो इनके बीच में क्या होगा, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जो इनके बीच में होगा, इस रिएक्शन को हम कहेंगे एमलगमेशन रिएक्शन। और अभी तो ये हमारे पास सिल्वर टिन कॉपर और मरकरी अलग अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, एमलगम बन जाएगा। सही, तो ये हमारे पास पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में आता है। अगर हम एमलगम की कलर की बात करें बच्चों, तो एमलगम का कलर जो है वो हमारे पास सिल्वर ये ग्रे कलर का होता है, और यही बच्चों इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, क्योंकि इसी ड्रॉबैक की वजह से जो है हमारे पास एमलगम को एमलगम की जो रेस्टोरेशन है वो हम सामने के एंटीरियर टीथ पे नहीं कर सकते, क्योंकि एस्थेटिक्स आ जाती है हमारे पास। आपको सोचिए कि किसी के फ्रंट टीथ है उस पर ग्रे कलर की कोई रेस्टोरेशन हुई हो, तो क्या फ़ायदा होगा कि वो कैरियस लीजन रिमूव करके कोई ग्रे कलर की ही रेस्टोरेशन करवा रहा है। सही, यही हमारे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसके बाद जो है वो हमारे पास रेजिन जो है वो रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आए। सो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका कलर, लेकिन पोस्टीरियर्स के लिए जो है वो हमारे पास बहुत बेस्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल है हमारे पास, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन बच्चों अब एमलगम जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, सिर्फ इस ड्रॉबैक की वजह से नहीं बल्कि इससे भी बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमारे पास मरकरी है, और मरकरी हैज़र्ड्स के बारे में बच्चों आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह कि मरकरी हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक मेटल है। सही है, तो यही जो है कुछ रीजंस हैं इसके कि एमलगम जो है पहले जिस तरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता था अब उस तरह नहीं होता, और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो ये अब बिल्कुल ही कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो चुका है, नहीं यूज़ होता, बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं एमलगम की कंपोजिशन इन डिटेल।